Hey guys, welcome back to my YouTube channel, Gumakkar Brijesh. अभी हम डॉक के लेक आ गए हैं, गाड़ी हमने पीछे पार्क कर ली है और हम जा रहे हैं लेक में, बोटिंग करेंगे और व्यू देखते हैं। काफी अच्छा व्यू है अभी इस टाइम पे, सर्दी भी बढ़ गई है थोड़ी सी। और जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं पेड़, ये है सुपारी के पेड़ है, यहाँ पे सुपारी की खेती करते हैं और ज्यादा लोग सुपारी खाते हैं यहाँ पे। बोलते हैं कि सुपारी खाने से गर्मी आती है इसलिए कम कपड़े पहनते हैं यहाँ के लोग। अभी हम बोटिंग करेंगे, एक बोट का जो चार्जेस है वो 800 है, यहाँ से 45 मिनट्स की बोटिंग होगी ये, और काफ़ी इंजॉय करने वाले। अभी हम सनसेट आप देख सकते हैं कितना अच्छा और खूबसूरत दिखाई दे रहा है बिल्कुल। यहाँ पर हम वोटिंग कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा एकदम नज़ारा है यहाँ का, पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अंधेरा थोड़ा सा हो गया है लेकिन अभी 4:30 बजे हैं, फिर भी इतना अंधेरा है, मतलब कि सूरज ढल गया है और सर्दी बढ़ रही है। देख सकते हैं आप पीछे पूरा बैक में मेरा व्यू कितना अच्छा आ रहा है। ये ब्रिज है और सभी लोग वोटिंग कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तुम्हारा bring the funk back. यहाँ पर जो बेस्ट टाइमिंग है वो नवंबर टू मार्च है, आपको यहाँ इस टाइम में क्लियर पानी मिलेगा एकदम साफ, और आप यहाँ पर स्विमिंग, काइकिंग और वोटिंग कर सकते हैं। एकदम ठंडा पानी है, एकदम लेक का बिल्कुल चिल्ड ऐसा पानी है जैसे अभी बर्फ़ गिर जाएगी। अभी मैं अपने जैसे ही फोटोग्राफर के ऊपर डालूंगा तो वो एकदम हिल जाएंगे, देखो जब कैसे हिले हैं वो, एकदम ठंडा ठंडा पानी है, बर्फ़ जमा देने वाला। बैक साइड में कैंपिंग के लिए जगह है, कैंपिंग भी आके यहाँ पर कर सकते हैं आप लोग, इसका पर कैंप जो चार्जेस है वो 600 रुपीज़ है, उसमें इंक्लूड पूरी डिटेल्स अभी मुझे पता नहीं है, तो मैं आपको पूरी डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कैंपिंग के लिए कहाँ कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। देख सकते हैं ऑलरेडी कैंप लगे हुए हैं यहाँ पर,
और ये जो माउंटेंस दिखाई दे रहे हैं, पेड़ माउंटेंस पे साइड में पेड़ हैं और पीछे घर बने हुए हैं, पहाड़ी एरिया ये पूरा, और शानदार शाम का मौसम हो चुका है और काफ़ी मज़ा आ रहा है। एग्जॉस्ट हो चुके हैं, ये हमारा लास्ट पॉइंट है जिसमें आते आते थोड़ा सा लेट हो गए हैं हम, सनसेट भी हो गया है यहाँ पे और पानी में इतना क्लियरिटी अभी है नहीं अंधेरे की वजह से, अदरवाइज़ यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर पानी है, नीचे के जो स्टोन्स है वो क्लियरली आप देख सकते हैं दिन में अगर आते हैं तो, अभी भी दिखाई दे रहे हैं बट इतना नहीं अंधेरे की वजह से। आई थिंक हमारी लास्ट रोड है जो जा रही है इस साइड में, हम लेट कमर हैं तो अभी हम वापस जा रहे हैं, बोटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है, अभी हम लेट हो गए हैं बोट की स्पीड बढ़ाने के लिए, मैं भी चप्पू चला रहा हूँ। ये पूरी आराम से काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी टाइम के बाद मैंने चप्पू को हाथ में लिया है, राफ्टिंग के टाइम पे गुजरात गया था उस टाइम पे मैंने राफ्टिंग की थी तब, और इसमें और उसमें काफ़ी डिफरेंस है, ये पूरा लकड़ी का है वो प्लास्टिक का होता है। पूरी रिवर को कवर करते हुए एक मैंने ड्रोन शॉट लिया है जिसमें एक साइड हमारा इंडिया और बॉर्डर की दूसरी तरफ बांग्लादेश। पूरी वीडियो देखने के बाद आपका भी मन कर रहा होगा डॉकी लेक घूमने के लिए, जाइए घूमिए एंड आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब घुमक्कड़ ब्रजेश, थैंक यू।